हम सब शुरू करने वाले हैं प्रेशर फोर्स, तो एक दिन पढ़ लिए थे। अब हम सबका जो नेक्स्ट टॉपिक है प्रेशर, प्रेशर के बारे में समझते हैं। जो समझते हैं प्रेशर, प्रेशर क्या है हम सबको पता है, पहले से ही पढ़ते चले आए हैं। प्रेशर को हिंदी में हम सब क्या बोलते हैं, दाब बोलते हैं, दाब। अगर हम सब बात करें प्रेशर को, तो प्रेशर क्या होता है, द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यहां समझते हैं प्रेशर इज इक्वल टू, मतलब फोर्स, प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स बाई, फोर्स बाई एरिया। वो भी ये कौन सा फोर्स होता है, ये अप्लाइड फोर्स होता है, अप्लाइड फोर्स बाय एरिया। मतलब ये जो हम सबका फोर्स, मतलब एफ बाई ए, इसको अगर हम सब एक्सप्रेस करना चाहें तो फोर्स, प्रेशर इज इक्वल टू क्या होगा, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। फोर्स क्या है हम सब ने पढ़ लिया, फोर्स जो है दो टाइप के होते हैं, होते तो और टाइप के हैं लेकिन हम सब ने पढ़ लिया फोर्स जो है दो ही टाइप के होते हैं, कंटैक्ट एंड नॉन कंटैक्ट फोर्स, कंटैक्ट फोर्स एंड नॉन कंटैक्ट फोर्स। कंटैक्ट फोर्स क्या होता है, कंटैक्ट फोर्स जब एक, जब दो बॉडी एक ही साथ एक ही फोर्स अप्लाई करें, मतलब कोई एक बॉडी जो है अगले बॉडी पे फोर्स अप्लाई करे तो उसको हम सब क्या बोलते हैं, कंटैक्ट फोर्स। मतलब अगर कंटैक्ट में आके फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं तो उसको हम सब कंटैक्ट फोर्स बोलते हैं। जैसे ये सपोज करो कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पे कोई बाहर से फोर्स लगा रहा है, इसका मतलब यहां पे मान लो कोई ह्यूमन है जो कि इस पे जो है फोर्स लगा रहा है, तो फोर्स ये दो टाइप से लगा सकता है, फोर्स जो है दो टाइप से लगा सकता है। देखो ये जो अप्लाइड फोर्स होते हैं ये दो टाइप से हो सकते हैं, जो अप्लाइड फोर्स हमारे होते हैं ये दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है पुल, एक होता है पुल, एक होता है पुश। मींस अगर हम सब बात करें फोर्स, मीन दो ही टाइप के होते हैं, कंटैक्ट फोर्स और कौन सा, नॉन कंटैक्ट फोर्स। जबकि अगर हम सब अप्लाइड फोर्स की बात करें, मतलब ये जो कंटैक्ट फोर्स है अगर हम सब इसके अंतर्गत पढ़ेंगे तो यहाँ पे अप्लाइड फोर्स आता है, तो अप्लाइड फोर्स की बात करें तो ये ऑब्जेक्ट है और ये कोई ह्यूमन है, ये इस ऑब्जेक्ट को दो तरीके से फोर्स लगा सकता है, एक हो सकता है उसको पुल करे, हो सकता है एक को पुश करे। अगर किसी चीज को अपनी तरफ खींच रहा है मींस पुल कर रहा है, अगर किसी चीज को अपने अपोजिट अगर उसको डिस्प्लेस कर रहा है तो इसका मतलब पुश कर रहा है। इसका मतलब जो है जिधर आप फोर्स लगा रहे हो अपने साइड में, अगर खींच रहे हो उसको तो वो पुल होता है, अगर किसी चीज को अपने अपोजिट साइड में डिस्प्लेस कर रहे हो तो पुश होता है। तो यहां पे समझते हैं ये फोर्स इज इक्वल टू, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाई एरिया। तो हमने बताया कि वो फोर्स दो टाइप के होते हैं, हमने फोर्स पढ़ के रखा है इसलिए फोर्स को नहीं ज्यादा डिस्कस करेंगे। तो यहां पे समझते हैं, यहां समझते हैं इसके यूनिट के बारे में समझते हैं, यूनिट ऑफ प्रेशर, यूनिट ऑफ प्रेशर, प्रेशर के यूनिट को समझते हैं। हमने बताया कि कितने टाइप के सिस्टम होते हैं किसी चीज को मेजर करने के लिए, सिस्टम ऑफ यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट, यूनिट के कितने सिस्टम होते हैं, तीन सिस्टम होते हैं। हम सबको पता है पहले से ही कि तीन सिस्टम होते हैं, एक होता है MKS, एक कौन होता है, एक होता है CGS, एक कौन होता है FPS। चलो MKS में अगर हम सब हर एक का, मतलब प्रेशर का जो है पहले MKS में यूनिट निकालेंगे, फिर CGS में निकालेंगे, फिर FPS में, समझते हैं इसको। देखो फोर्स का जो है, फोर्स का क्या होता है अगर हम सब बात करें, दीपक बंद करो एक बार, तो हम सब उसके आगे पढ़ते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट। तो तीन सिस्टम होते हैं, एक होता है MKS, एक होता है CGS, एक होता है FPS। तो ये इन सबका नाम एक बार समझ लेते हैं, इसका होता है मीटर, किलोग्राम, सेकंड, इसका होता है सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, इसका होता है फुट, पाउंड और सेकंड। आजकल ये जो चल रहा है इसी को हम सब जो है ज्यादा स्टैंडर्डाइज हुआ है, इसका एक दूसरा भी नाम है SI यूनिट।
एस आई यूनिट। एस आई यूनिट का पूरा जो फुल फॉर्म होता है इस इंटरनेशनल, अगर हम सब एस आई यूनिट की बात करें, एस आई यूनिट का फुल फॉर्म जो होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। कभी कभी आप पूछ लेता है ये कि बताओ व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ द इंटरनेशनल, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द एसआई यूनिट, एसआई यूनिट का पूरा नाम जो होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। तो ये चीजें हम सबको याद रखना है, लर्न करके रखना है इसको, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास दो वेरिएबल्स थे, दो वेरिएबल्स हमारे पास कौन कौन से, P बराबर होता है F by A, मतलब प्रेशर इज इक्वल टू, अभी हमने पढ़ा प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। फोर्स का जो यूनिट होता है इसमें हम सब समझते हैं, इसमें फोर्स का जो यूनिट होता है MKS में जो फोर्स का यूनिट होता है वो होता है इसका जो होता है इसका किग्रा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये होता है MKS में। किसका होता है? फोर्स का। फोर्स का जो MKS में होता है किग्रा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन अगर हम सब इसी को एसआई यूनिट में बात करें, ये है MKS में, अगर हम सब एसआई यूनिट बात करें, इसको जो है नाम दे दिया गया था न्यूटन। न्यूटन क्यों दे दिया गया था? क्योंकि इसके जो एडवेंचर, इसके जो एडवेंचर थे वो कौन थे? न्यूटन थे। तो आगे देखिए एरिया का क्या होता है MKS में, हम सबको पता है एरिया का क्या होगा, एरिया को मीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं। अब एसआई ये जो है MKS में भी है और एसआई यूनिट में भी है, एसआई यूनिट में भी है, मीन्स दोनों सेम होगा। तो अब इसका निकाल लेंगे तो पी इज इक्वल टू F by A, मतलब फोर्स by एरिया, तो फोर्स का क्या हो जाएगा किग्रा मीटर पर सेकंड स्क्वायर डिवाइड बाय मीटर स्क्वायर, एक मीटर से एक मीटर कैंसिल हो जाएगा, ये हम सब का क्या आ जाएगा, आ जाएगा किग्रा पर मीटर इंटू सेकंड स्क्वायर, ये हम सब का किसमें है MKS में है। अगर एसआई यूनिट की बात करें तो एसआई यूनिट में डायरेक्ट हो जाएगा न्यूटन डिवाइड बाय मीटर स्क्वायर, मींस न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये किस में हो गया हम सबका एसआई यूनिट में, ये एसआई यूनिट में है। इसको हम सब इरेज कर सकते हैं, एसआई यूनिट ऑफ इसका, एसआई यूनिट का इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। आगे देखिए MKS में निकल चुका है, हम सबका MKS में जो है आ चुका है न्यूटन, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एसआई में है, और MKS में क्या है किग्रा पर मीटर इंटू सेकंड स्क्वायर। अब हम सबको CGS में पढ़ना, ये हम सबका MKS में है, तो CGS का स्टडी करते हैं। तो P इज इक्वल टू फोर्स, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाई एरिया, फोर्स बाई एरिया। फोर्स हम सबको पता था कि क्या होता है, इसका निकाल लेंगे फोर्स का यूनिट CGS में, तो निकाल लेंगे इसका होता है ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, और एरिया का क्या होता है सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये यहाँ पे जाएगा ग्राम, ग्राम पर सेंटीमीटर इंटू सेकंड स्क्वायर। देखो हम सब ऐसा ऐसा क्यों लिखते हैं कि पहले हम सबका ग्राम आता है, उसके बाद सेंटीमीटर होता है, उसके बाद सेकंड होता है, क्योंकि ये जो मेजरमेंट का सिस्टम बना था इसमें ही, यहाँ पे देखें तो पहले ये यहाँ पे देखें सेंटीमीटर ग्राम और सेकंड है, तो हम सबसे पहले हमेशा मास को स्टडी करते हैं, इसलिए मास को पहले लिखना है, मतलब ग्राम पहले लिखना है, उसके बाद फिर लेंथ वाले लिखना है सेंटीमीटर, उसके बाद सेकंड स्क्वायर। इसी का एक अदर अदर जो था, अगर हम सब इसके अदर यूनिट की बात करें, अदर यूनिट ऑफ फोर्स, अदर यूनिट ऑफ फोर्स की बात करें अगर हम सब, तो यहां पे जो है इसका क्या था टाइम, हम सबको पता था कि वन यूनिट, वन जो है वन न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू पावर 5 टाइम होता है,
ये हम सबको याद रखना है, क्योंकि ज्यादातर एमसीक्यू में यही पूछता है कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू कितने, हाउ मेनी डाइंग इन द 1 न्यूटन, तो हम सबका आंसर होगा 10 टू पावर 5 डाइंग इन द 1 न्यूटन। तो अब यहां पे रखेंगे तो प्रेशर का कितना हो जाएगा, देखो भाई ये हो जाएगा डाइंग ऊपर हो जाएगा, अब ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो इसका जो हो जाएगा डाइंग पर सेकंड डाइम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। हम सब एक बार नोट करके समझते हैं, देखो नोट करके समझते हैं, नोट में क्या समझते हैं, जो हमने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर समझाया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एक इसका जो यूनिट है, इसका जो न्यूटन मीटर स्क्वायर जो यूनिट है, इसको हम सब एक पास्कल भी बोलती है। देखो पास्कल भी आ गया यहां, पास्कल क्यों बोलते हैं, क्योंकि प्रेशर का जो एडवेंचर था वो कौन था, पास्कल ही था। अगर हम सब बात करें, अगर पुस्तकल भी था बताओ हु वाज द एडवेंचर ऑफ द प्रेशर, तो हम सब एडवेंचर में अगर बात करेगा तो कौन हो जाएगा, पास्कल होगा। पास्कल एक साइंटिस्ट था जिन्होंने क्या किया था, प्रेशर का एडवेंचर किया था। और भी यूनिट होते हैं बट वो हम सबको एटमोस्फियर प्रेशर में पढ़ना है, अभी इसको जो हमने पढ़ा है इसको एक बार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा देना, क्योंकि यही से पूछता है एमसीक्यू में कि बताओ कौन सा होगा क्या होगा। डायमेंशन यहाँ पे नहीं पढ़ना है, जिसको हम सब ने डायमेंशन क्लास 10th की बात पढ़ते हैं, केवल और केवल यहाँ पे यूनिट पढ़ने हैं डायमेंशन में। नेक्स्ट टॉपिक है प्रेशर डिपेंड्स ऑन द प्रेशर डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स, जो हम सबका नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रेशर डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स। हम सबको पता है कि P इज इक्वल टू जो होता है F बाई A, मीन्स प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाई एरिया। तो यहाँ पे देखेंगे प्रेशर जो है दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है, एक हम सबका अप्लाइड फोर्स है, एक वो एरिया है जिसपे की फोर्स अप्लाइड हो रहा है। तो हम सब समझते हैं यहां से देखिए, अगर एक को वेन कंडीशन समझते हैं, वेन फर्स्ट कंडीशन है हम सबका, वेन एरिया इज कॉन्स्टेंट, मीन्स जब एरिया हमारा क्या है कांस्टेंट है, तो प्रेशर देखो किस पे डिपेंड करता है, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स, मीन्स जो हमारा दाब है वो बल के समान जो है, जो दाब है वो बल के क्या होता है, समानुपाती होता है। मीन्स एक को अगर आप इंक्रीज करो, प्रेशर अगर इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब फोर्स भी हमारा क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। यहां पे क्या है, अगर ये डिक्रीज कर रहा है, प्रेशर डिक्रीज किया तो फोर्स भी हमारा डिक्रीज करेगा, दोनों में जो है हम सबका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन है। मींस अगर हम सब एक को इंक्रीज कराएंगे तो अगला भी इंक्रीज होगा, फोर्स भी अगर इंक्रीज कराएंगे तो प्रेशर भी इंक्रीज होगा, अगर फोर्स ड्रॉप कर रहा है तो प्रेशर भी वहां पर क्या करेगा, ड्रॉप करेगा। चलो सेकेंड कंडीशन है हम सबका, वेन फोर्स इज कॉन्स्टेंट। अब पहले में क्या था, हमारा एरिया कॉन्स्टेंट था, कि मतलब प्रेशर जहां आप लगा रहे वो एरिया हम सबका कॉन्स्टेंट है, एक लिमिट है। तो यहां अगले में क्या कंडीशन है, वेन फोर्स इज कॉन्स्टेंट, फोर्स हमारा क्या है, कॉन्स्टेंट है। तो यहां पे पी इज इक्वल टू पी टू द रेसिप्रोकल ए, जो हमारा प्रेशर होगा पूर एरिया के रेसिप्रोकल है। Means, अब यहां पे समझते हैं, अगर प्रेशर को अगर हम सब इंक्रीज कर रहे हैं तो एरिया क्या होगा, डिक्रीज होगा। यहां पे देखिए, अगर हम सब प्रेशर डिक्रीज कर रहा है तो एरिया क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अब हम सब अगले में जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, एप्लीकेशन ऑफ फोर्स एंड प्रेशर, मीन्स एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर, ये हम सबका अगला जो टॉपिक है, एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर, एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर।
प्रेशर का एप्लीकेशन समझते हैं जो कि दोनों पे डिपेंड करते हैं, एक प्रेशर जो कि दोनों पे डिपेंड करता है, एक फोर्स पे और किस पे, एरिया पे, इसी के अकॉर्डिंग से हम सब एप्लीकेशन पढ़ते हैं। फर्स्ट एप्लीकेशन है, देखिए इसके एप्लीकेशन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो प्रेशर का इफेक्ट है, इफेक्ट बोले या एप्लीकेशन बोले वो दोनों यहाँ पे मीन सेम होना होगा। एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर समझते हैं, कोई भी अगर हम सब अगर किसी भी इंडस्ट्रीज से या किसी भी कंपनी से जो कील बनाया जाता है, दीवार में ठोकने वाला जो कील होता है, ये हम सबका पिन है, बोले तो जो कील होता है हिंदी में बोले तो इसको कील बोलते हैं। यहाँ पे समझते हैं, जो कील होता है वो क्या होता है, आगे के साइड में शार्प एज बना दिया जाता है, यहाँ पे जो है शार्प एज होता है। शार्प एज क्यों बनाया जाता है इसका रीजन समझते हैं। देखो यहाँ पे अगर बात करें तो इस वाले को मीन्स अगर हम सबका एरिया कम है तो प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो शार्प एज पे हमेशा क्या होता है, एरिया मिनिमम होता है। अगर एरिया यहाँ पे मिनिमम है तो यहाँ पे प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो यहाँ पे समझे जो हैमरिंग करते हैं, देखो दीवार में अगर हैमरिंग करना है तो यहाँ पे एक हम सब बना लेते हैं, जैसे कि दीवार में हैमरिंग करना है तो समझते हैं, हैमर लेंगे इसको जो है, एक हैमर से क्या करते हैं हम सब इसको हैमरिंग करते हैं, तो इसका इफेक्ट समझते हैं। देखो इसको क्या करते हैं, हैमरिंग करते हैं, ये हमारा शार्प एज है, एरिया यहाँ पे क्या है मिनिमम है और प्रेशर क्या है मैक्सिमम है, प्रेशर की वैल्यू क्या है मैक्सिमम है। तो यहां से अगर हम सब क्या करेंगे, यहां से अगर हैमरिंग करते हैं तो डायरेक्ट ये वाल में क्या करेगा, इंसर्ट कर जाएगा, वो पिन विल बी इंसर्ट इन द वाल एज क्विकली मींस, जितना जल्दी से अगर हम सब इसको ठोकेंगे या हैमरिंग करेंगे तो क्या होगा, पिन जल्दी से इंसर्ट कर जाएगा वॉल में। देखो इसीलिए लोग बोलते हैं कि चाइना किल लाओ। में क्या होता है, ये वाला जो एरिया हमने बोला जहां पे मिनिमम एरिया है, ये क्या होता है शार्प एज होता है, ये शार्प एज होता है, शार्प एज है मींस एरिया मिनिमम है, प्रेशर मैक्सिमम है। और समझो प्रेशर अगर मैक्सिमम है तो यहाँ पे समझते हैं इस वाले से, प्रेशर अगर मैक्सिमम है मींस यहाँ पे कंडीशन लिखते हैं, प्रेशर हमारा क्या भाई वहां मैक्सिमम है, प्रेशर मैक्सिमम है तो फोर्स भी क्या होगा मैक्सिमम होगा, और एरिया क्या है, एरिया की वैल्यू कम है। मींस अगर हम सब फोर्स वाले कट को समझते हैं कि कम ही फोर्स में जो है, फोर्स अगर हम सब यहां से हैमरिंग कर रहे हैं तो फोर्स मैक्सिमम काम करेगा, प्रेशर भी मैक्सिमम काम करेगा, एरिया मिनिमम है इसलिए क्या कर जाएगा इंसर्ट। कल कल आप पूछता है कि व्हाट इज द रीजन ऑफ इंसर्टिंग ऑफ पिन इन द वॉल, वॉल में जो पिन इंसर्ट कर रहा है उसका रीजन क्या है, तो रीजन यही है कि यहाँ पे एरिया मिनिमम है और प्रेशर क्या है मैक्सिमम है, तो फोर्स भी क्या होगा मैक्सिमम होगा। चलो हम सब अगला इसका एक एग्जांपल समझते हैं, इसका जो है अगला एक एप्लीकेशन समझते हैं। कभी जो पोर्टर होते हैं, अगर आप सब देखे होंगे पोर्टर जो स्टेशन में, जिसको हम सब हिंदी में कूली बोलते हैं, वो कोई भी सामान उठाता है तो अपने सर पे, देखो जैसे ये मान लो पोर्टर है, स्टेशन पे आप गए और वहां पे आपको बोलता है भाई सामान कोई लेके चलना है क्या, तो वहां पे आता है तो उसके बाद क्या करता है, आपके सामान को वो सर पे रखता है। तो समझते हैं ये सर पे अगर रखेगा तो यहाँ पे ना एक पगड़ी बना के, जिसको हम सब हिंदी में बोलते हैं पगड़ी, ये कपड़ा का लपेट के एक रखेगा, उसके बाद ये क्या करेगा, उसके बाद ये बॉक्स रख लेगा, आपका जो भी लगेज होगा, जो भी आपका लगेज है वो उसको रख लेगा। अब देखो कपड़ा यहाँ पे क्लॉथ क्यों रखा है, ये जो कपड़ा रखा है इसका रीजन समझते हैं, ये जो क्लॉथ रखे हैं अपने सर पे इसका रीजन समझते हैं। अगर पहले ये रखा होता बिना कपड़े का तो यहाँ पे देखो क्या होता, एरिया जो है ऐसे 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 मिनिमम हो जाती, यहाँ पे मिनिमम होती। हम सबको पता है अगर एरिया जो है मिनिमम है, एरिया अगर मिनिमम है,
एरिया यहाँ पे मिनिमम है तो फोर्स वहां पे, एरिया मिनिमम है तो फोर्स मैक्सिमम है, फोर्स मैक्सिमम है इसका मतलब प्रेशर भी मैक्सिमम। मीन्स यहाँ पे इसको जो है ज्यादा दूर तक ये लेके नहीं जा सकता, क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रेशर की वैल्यू ज्यादा है, फोर्स की भी वैल्यू ज्यादा है, इसको ज्यादा जो है बल लगा के इसको आगे लेके जाना पड़ेगा और एरिया क्या है मिनिमम है। जबकि ये दिमाग अपना लगा लेता है कि इस किसी भी कपड़े को ऊपर रखो, अगर ये ऊपर रख लिया तो ये इंजीनियरिंग कंट्रोल लगा दिया, मतलब प्रेशर को जो है यहाँ पे ये कम कर दिया तो फोर्स भी कम हो जाएगा और एरिया को ये क्या किया बढ़ा दिया। ये हम सबका सेकंड है, मीन्स जब पोर्टर, इसको पोर्टर बोलते हैं, जो कोई अगर आप स्टेशन पे जाते हैं कोई भी लगेज उठाते हैं, स्टेशन हो या बस स्टैंड या टैक्सी कुछ भी हो, वहां पे अगर कोई भी आदमी अगर अपने सर पे, कभी कभी गांव में भी होता है लोग जाते हैं उसको जो है सर पे कुछ कपड़ा या कुछ भी रख के उसको लेके जाते हैं, दूर तक लेके चले जाते हैं, वो कभी कभी 50 kg या 1 quintal का भी रहता है, आदमी उठा के आराम से लेके जाता है। लेकिन इस कंडीशन में ये लेके नहीं जा पाएगा क्योंकि यहाँ प्रेशर ज्यादा है, फोर्स ज्यादा है, एरिया कम है, ये ज्यादा दूर लेके नहीं जा पाएगा, मैक्सिमम थोड़ी सी दूर ले जाके रोक देगा, बोलेगा आप नहीं लेके जा पाएंगे। देखो थर्ड, अगर हम सब समझते हैं, थर्ड समझते हैं, देखो ये कोई जो है व्हील है, मीन्स किसी भी व्हील, चाहे वो मोटरसाइकिल का व्हील हो या साइकिल का व्हील हो, ये व्हील है। ये व्हील है, यहां पे समझते हैं। अब इसके अंदर होता है, पहले टायर होता है, टायर के अंदर होता है ट्यूब। देखो अब तो ट्यूबलेस भी आने लगा है, ट्यूब की जरूरत नहीं पड़ती, उसमें ट्यूबलेस होते हैं, लेकिन हम ट्यूबलेस हो या ट्यूब वाले हो, कुछ भी हो, उसमें क्या होता है एयर भरे जाते हैं। ट्यूबलेस वाले में भी समझते हैं। यहाँ पे देखो एक, अगर आप कभी जा रहे हो और आपकी जो है बाइक हो या साइकिल, मतलब कोई भी हो, बस उसमें टायर लगे होने चाहिए, बाइक हो साइकिल हो कार हो, कुछ भी हो, कार हो साइकिल हो या कोई भी ट्रक हो, कोई भी गाड़ी हो, इसमें से सिर्फ और सिर्फ ट्रेन को छोड़ के, क्योंकि ट्रेनों में जो है टायर नहीं लगे होते। यहाँ पे समझते हैं भाई, इसमें एयर भरा होता है, एयर भरा होता तो आदमी जो है आराम से जो है इसको ड्राइव करके जा सकता है, साइकिल को आराम से ले जाके दूर तक जा सकता है चलाते हुए। लेकिन सपोज करो अगर ये कभी ये हो जाए कि इसमें का एयर निकल जाए और एट्रेंडम ये पंचर हो जाए, तो पंचर होगा तो क्या होगा, इसका जो है हवा निकल जाएगा पूरा, और सिर्फ ये जो है रिम के सहारे चलेगी, विद द हेल्प ऑफ रिम, ये केवल और केवल रिम के सहारे चलेगा। अब यहाँ पे समझते हैं भाई, पंचर हो गया, पहले क्या था, हवा था, हम सबको पता है अगर हवा होता है ना तो कम एरिया कवर करता है, एरिया जो है कम कवर करेगा। यहाँ पे एरिया की वैल्यू जो है मिनिमम होगी, एरिया मिनिमम है मीन्स प्रेशर ज्यादा है और फोर्स ज्यादा है, एरिया मिनिमम है, फोर्स मतलब ज्यादा है, प्रेशर भी ज्यादा है, तो इसीलिए क्या है, अगर आप इसीलिए बोला जाता है कभी कभी ज्यादा मत भरो उसमें, जो लिमिट होती है, अगर आप वॉलीबॉल या टायर कोई भी जिसमें भी एयर इंसर्ट किया थे उसमें बोला जाता है लिमिट से ज्यादा ना भरे, नहीं तो कभी कभी पंचर हो जाता है। पंचर क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे एरिया मिनिमम हो जाएगा, जो उसके वाल की थिकनेस हो जाती है वो वीक हो जाती है, तो फोर्स भी ज्यादा है, अंदर से फोर्स जो है एक्सपेंड करता है हमेशा, क्योंकि मास ये जो है ये इस पे वाल पे जो है फोर्स लगाते हैं, जो टायर होते हैं ट्यूब जो है टायर और रिम पे दोनों फोर्स अप्लाई करते हैं, समझते हैं। यहाँ पे जो है फोर्स ज्यादा हो जाएगा, प्रेशर भी ज्यादा हो जाएगा, आप कम चलाओगे तो ज्यादा दूर तक जाता है, इसीलिए आदमी को बिना पंचर की जो बाइसिकल या साइकिल जो भी ज्यादा दूर तक लेके जा सकते हैं। लेकिन अगर पंचर हो गया तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, एरिया हमारा मैक्सिमम हो गया। अब यहां देखो एरिया मैक्सिमम हो गया, इसका मतलब पी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी, और फोर्स भी क्या हो जाएगा, फोर्स भी जो है मिनिमम। यहां पे जो है ज्यादा आपको फोर्स लगा के लेके जाना पड़ेगा, ये हम सब उस फोर्स की बात कर रहे हैं जो कि रिम के हेल्प से लग रहा है, हम सब अपना फोर्स की बात नहीं कर रहे,
यहाँ पे उस फोर्स की बात कर रहे हैं जो कि टायर और ट्यूब के थ्रू जनरेट होते हैं, एक्साइटेड होते हैं, उस प्रेशर की बात कर रहे हैं हम सब। देखो हम सब ने इतना पढ़े, एक इसका और भी एग्जांपल होती है जो हम सब नाइफ बनाते हैं, नाइफ मतलब जो घरों पे यूज करते हैं चाकू, उसकी बात करते हैं। वो देखो सार पेज के बनाए जाते हैं, वो ही मान लेते हैं, सपोज करते हैं ये कोई हम सब का ये कोई मॉडिफाइड चाकू है, मीन्स डिजाइनदार है, अगर इसको समझे तो कभी ना मार्केट में तो डिजाइनदार आ जाएगा। चल ये सार, ये हम सब ने ये नाइफ बना के रखे हैं, नाइफ बना के रखे हैं। देखो अब यहाँ पे समझते हैं, जहां पे हम सब क्या करते हैं भैया, सब जो है सब्जी वब्जी घरों पे जो मम्मी लोग जिसमें काटती हैं वही है, समझते हैं। तो शार्प एज है, हमने बोला शार्प एज यही लिखे रहता है, शार्प एज जहां होता है वहां एरिया मिनिमम है, इसका मतलब जहां भी ये सभी शार्प एज वाले हैं, शार्प एज जहां भी शार्प एज है वहां पे एरिया की वैल्यू क्या होगी, मिनिमम होगी। अगर एरिया मिनिमम है तो भाई प्रेशर भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा, प्रेशर भी मैक्सिमम होगा, उसके बाद क्या होगा फोर्स भी मैक्सिमम होगा, फोर्स भी क्या होगा मैक्सिमम। ये प्रेशर और फोर्स हम सब किसकी बात कर रहे हैं, उस नाइफ की बात कर रहे हैं ना, कि जो हम सब अप्लाइड फोर्स करते हैं उसमें। अब यहां देखो कोई भी चीज आप धीरे से, अगर इसको धीरे से चाकू को अगर किसी भी चीज में टच कराओगे, शार्प जो है एरिया मिनिमम है, तुरंत प्रेशर क्या करेगा जल्दी लगेगा, उसके बाद ये क्या करेगा कट जाएगा, मतलब कटिंग फास्ट होगी। कोई भी चीज अगर हम सब कट कर रहे हैं तो कटिंग फास्ट होगी। देखो ऐसे ही एग्जाम्पल पूछते हैं कि बताओ ये जो है पिन के सार पेज को बनाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर रीजन पता है किसी को तो तुरंत एंसर हो जाएगा, एरिया मिनिमम होगा, प्रेशर मैक्सिमम होगा, उसके बाद क्या होगा फोर्स मैक्सिमम होगा। अगले एग्जांपल हमने क्या बताया था, एक पोर्टर का। तीसरा एग्जांपल क्या बताया था, एक टायर और ट्यूब का। ये हम सबका चौथा एग्जाम्पल है नाइफ का, और भी ऐसे कई एग्जाम्पल्स है, लेकिन अगर हम सबको यही सब इम्पोर्टेंट है जो कि हमने आज बताए हुए हैं,